तो कैसे तुम लोग, तो तुमको जरूर से अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर्स के बारे में पता होगा। ये एक गेम है जो इंडिया का डेवलप किया हुआ है। क्या बात है जी। और एक इंडियन के लिए इंडियन गेम्स के बारे में उसका फीलिंग जरूर से पता ही होगा। इंडियन गेम्स एकदम टॉप पे रहता है जब भी कोई इंडियन गेम का बात होता है, और उसके अंदर मसाला और डाल देता है बैटल रॉयल। देखो जब भी यहाँ पर बात होता है इंडिया का बैटल रॉयल, तब तो यार एकदम मौज ही मच जाता है। वैसे भी ये जो गेम है ना, उसको बहुत ही बंदे प्रमोट कर चुके हैं, मतलब बड़े बड़े क्रिएटर्स प्रमोट कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम भी प्रमोट कर दे रहे हैं, क्योंकि एक इंडियन का फर्ज बनता है इंडियन गेम्स को प्रमोट करना। बट यहाँ पर इंडियन गेम है तो रिलीज कब होगा, क्योंकि आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त को बोला जा रहा था रिलीज होगा। नहीं यार, यहाँ पर ऑफिशियली कंफर्म तो नहीं किया गया था, बट तमाम क्रिएटर बोल रहे थे 15 अगस्त को ही हमारा गेम आएगा। बट क्यों नहीं आया, और कब तक आ सकता है ये गेम? और अगर ये गेम आता भी है तो फ्री फायर, BGMI और भी तमाम बैटल रॉयल गेम्स है, तो उनको क्या टक्कर दे पाएगा ये गेम? क्योंकि यार यही एक बड़ा क्वेश्चन है। मार्केट में बहुत ही बड़े बड़े अच्छे अच्छे गेम पड़े हुए हैं बैटल रॉयल के, तब क्या बंदे इस गेम पे स्विच होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं? तो पूरा अच्छे से जुड़ में तुमको बताने वाला हूँ। तो अभी एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फ्री होता है करना ना। जो लोग भी सब्सक्राइब कर दिए हो, थैंक यू यार। तो यहाँ पर पहले हम ये बात करेंगे, ये जो गेम है वो कैसा होने वाला है। मतलब यहाँ पर ये नहीं बात कर रहे हैं, पहले जो ये गेम है वो टक्कर दे पाएगा बाकी गेम्स को या नहीं दे पाएगा, पहले हम ये बात कर लेते हैं ये गेम कैसा है। तो अकॉर्डिंग टू UGA, देखो वो लोग बोल रहे हैं ये गेम एकदम बहुत ही बढ़िया सा गेम होने वाला है, बहुत ही तगड़े तगड़े फीचर होंगे और इंडिया का स्टोरी लाइन होने वाला है, इंडिया का फील देगा पूरा। तो ये बात सुन के तो यार काफी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि देखो इंडियन चीजें होंगे, इंडियन थीम होगा, तो यार ज्यादा मजा आएगा ना। तुम एक इंडियन हो, तुमको इंडियन वाला फील मिलेगा पूरा। तो देखो इनके बात इस तो एकदम सही लग रहा है, बट यहाँ पर रियलिटी क्या होने वाला है? देखो रियलिटी अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी गेम अच्छे से निकला नहीं है ना। अगर फौजी जैसा गेम होता है जो एक्सपेक्टेशन हमारा बहुत ही ज्यादा था, बट रियलिटी कुछ और हो गया, अगर बार बार ये फौजी जैसे गेम आते रहेंगे तब यार क्या ही बोले। तब तो यार गेम डेवलपर्स को भी पता होगा भाई मार्केट में इतने तगड़े तगड़े गेम है, तब यार फौजी बनाने का क्या ही मतलब है। तो फिर भी यार यहाँ पर फौजी गेम का ना ही यहाँ पर ग्राफिक्स अच्छा लगा, ना ही यार स्टोरी लाइन ज्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पर फौजी गेम को तो यार एकदम ही पसंद नहीं किया कोई बंदों ने। देखते हैं यार ये वाला गेम कैसा होने वाला है। और हाँ, यहाँ पर तुमको अपडेट्स मिलते जाएंगे अगर तुमने अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर्स के यहाँ पर डिस्कॉर्ड सर्वर पर ज्वाइन किया होगा। देखो मैंने तो ज्वाइन नहीं किया है, बट यहाँ पर अपडेट्स मिलता जाता है मुझे किसी भी तरह। और देखो एक बार कमेंट पे लगा देना यार कौन से बंदे एक्साइटेड है। देखो मैं तो फुल एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इंडिया का बैटल रॉयल गेम है, इस बार अगर अच्छा गेम हो जाता है तो एकदम बढ़िया होगा। बाकी यार हाँ, हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से गेम को देखा और यहाँ पर ट्रेलर्स देखा, यहाँ पर पोस्टर देखा, बहुत सारे कुछ देखा, तभी मैं बोल रहा हूँ जो गेम पोस्टर ट्रेलर्स में दिखाया जा रहा है वो ऐसा अगर गेम सच में बना देते हैं ना, तो यार एकदम ही मजा आने वाला है और एकदम पास होने वाला है। मतलब यार तुम जरूर से समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और यहाँ पर बात कर लेते हैं रिलीज डेट क्या है, क्योंकि यहाँ पर 15 अगस्त को ही एस्टिमेटेड बोल रहे थे बंदे, बट ना ही कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन, तब तो यार हम नहीं बोल सकते आज ही रिलीज होने वाला है। और यहाँ पर आज सच में रिलीज नहीं होने वाला है, 15 अगस्त को नहीं होने वाला है, वो हो सकता है थोड़ी देर बाद। एस्टिमेटेड बोलो तो और भी 10-12 दिन तुम एक्स्ट्रा लेके चलो, या उसके अंदर तुमको यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज मिल जाएंगे इनके अंदर। और जरूर से यहाँ पर प्री रजिस्ट्रेशन कर लेना, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर हमको स्पेशल एक्सेस मिले जो बंदे भी यहाँ पर प्री रजिस्ट्रेशन करेंगे। लेट्स सी यार क्या होता है, बट तुम एस्टिमेटेड यहाँ पर रिलीज डेट पकड़ लो, नहीं तो स्पेशल एक्सेस तुमको मिल ही जाएगा 10-12 दिन के अंदर। और चिंता मत करो, गेम वाले तुमको जरूर से कंफर्मेशन दे देंगे, नहीं तो यहाँ पर सडनली तो कभी भी रिलीज नहीं करता कोई भी गेम, तो यहाँ पर ये गेम भी रिलीज नहीं होने वाला है। ऑनली तुम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए वेट करो, वेट करने के बाद ही तुमको प्ले करने को मिलेगा इंडिया का बैटल रॉयल गेम। और वैसे भी यार मैंने यहाँ पर थोड़े अपडेट्स देखा, AK-47 एरो हो रहा है, मतलब अच्छे खासे गन एरो हो रहे हैं उनके अंदर, सुनकर तो यार बढ़िया लगा, क्योंकि जितने ज्यादा चीजें ऐड होते रहेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पर AK-47 ऐड हुआ, 10-12 और गन ऐड हो जाए, यहाँ पर 25-20 और अच्छे अच्छे ऐड हो जाए, तो इससे मजा आएगा ना गेम खेलने में। बाकी फ्री फायर और BGMI बाकी जो बैटल रॉयल गेम्स है उनको टक्कर दे पाएगा क्या नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा, बट यहाँ पर लगता तो है टक्कर दे पाएगा अच्छा खासा, क्योंकि यहाँ पर गेम रिलीज होने के पहले यहाँ पर जो फैन बेस है ना इस गेम का, वो एकदम अलग लेवल पे चला गया है। तो यहाँ पर पहले ही हम बोल सकते हैं अगर गेम अच्छा खासा होगा तो यहाँ पर पक्का एकदम ही हिट बैटल रॉयल गेम बन जाएगा इंडिया का। बाकी यार वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है, तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, मुझसे अगर कॉन्टैक्ट करना है तो इंस्टाग्राम पे इजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो गाइस सी यू नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय।